जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और सलामती से होंगे। क्विकबुक्स पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेक्चर नंबर 6 है। आज हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, उसका ज़रा ओवरव्यू तफसील के साथ देखेंगे, ताकि हमें जब उन अकाउंट्स को क्विकबुक्स में हम स्टडी करें तो हमें बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में किस तरह के हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर कोई आपका दोस्त इसको फिज़िकली क्लासेस लेना चाहता है तो आप नंबर्स पर कोऑर्डिनेट करें। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी स्टडी करते हैं। डेफिनेशन: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ एन अकाउंट दैट समराइज़ेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। इसकी जो ये एक समरी होती है, जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंट्स होते हैं, जिसमें सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स और एक्सपेंसेस के बाद नेट प्रॉफिट देखा जाता है, और इसको आप वन डे से लेके वन ईयर तक देख सकते हैं। अब अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर, उसमें ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पहले कुछ कंपनीज में मंथली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे और 6 मंथ के बाद, लेकिन जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 साल है, 1 साल ही के बाद इनका मुआवजा किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके मेजर 2 पार्ट्स होते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें सेल्स इनकम रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और दूसरा नेट प्रॉफिट होता है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस, जिसकी हम क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस को नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनेंशियली एक्सपेंसेस होते हैं। ये 4 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस हैं, जिसकी हम फर्दर जो है डिटेल को स्टडी करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट में या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हेड ऑफ अकाउंट में, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, यानी परचेजिंग के दौरान जितना भी आपका एक्सपेंस होता है, ये है ट्रेडिंग कंसर्न से। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जितने भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में एक्सपेंस होंगे, उसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें जो हेड ऑफ अकाउंट होते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स और गुड्स, वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, एनी टैक्स रेट इज पेड ऑन परचेज, एनी एक्सपेंस इनकर्ड ऑन कैरियज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ परचेज आइटम्स। सो ये इसके सब क्लासिफिकेशन हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। आगे हम फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस पढ़ेंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं। अगर जो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जो उसमें एक्सपेंस होते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंस इनकर्ड इन रनिंग ए बिजनेस, इफेक्टिवली मेन कंपोनेंट ऑफ दिस ग्रुप आर पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स जो है, वो अगर फैक्ट्री में हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हो रहे हैं, तो वो एक अलहदा से चार्ज होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज होंगे। इसी तरह रेंट, सैलरीज, एम्प्लॉय, ये सारे अगर फैक्ट्री में हो रहे हैं, वो एक अलहदा से चीज़ है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आएंगे, हमने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में, बेसिक सेलिंग एक्सपेंस को, उसको सेल करने के लिए जो आपको एक्सपेंस आ रहे हैं। सेलिंग एक्सपेंस आर द एक्सपेंस इनकर्ड इनडायरेक्टली विद द सेल्स ऑफ गुड, दिस हेड कंटेन ट्रांसपोर्टेशन, कैरिज ऑफ गुड्स सोल्ड, टैक्स, फ्रेट पेड। इफ द एक्सपेंस इन हेड इंक्लूड सैलरीज ऑफ सेल्स स्टाफ, इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सैलरीज एंड पी अंडर द हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, इफ द एक्सपेंस हेड इंक्लूड सैलरीज ऑफ सेल्स स्टाफ, इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सैलरीज एंड अपीयर अंडर द हेडिंग ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। यानी अगर सेल्स स्टाफ की सैलरीज है, तो उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में नहीं डालेंगे, बल्कि सेलिंग एक्सपेंस में डालेंगे। फाइनेंशियली चार्जेस, फाइनेंशियली एक्सपेंसेस आर द इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन एंड चार्जेस डिडक्टेड बाई बैंक ऑन एंटिटी बैंक अकाउंट, इट इंक्लूड्स मार्कअप ऑन लोन, बैंक चार्जेस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ओवरव्यू था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इन दोनों नाम, ये सिनोनिमस वर्ड हैं। सम टाइम इनकम स्टेटमेंट को सिर्फ
एनजीओस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ओवरऑल जब इसका यूटिलाइज किया जाता है, इसका नाम लिया जाता है, तो बोथ ऑफ देम आर सिनोनिमस वर्ड्स। सो अगर कोई स्टूडेंट्स फिजिकली क्लासेस लेना चाहता है, ही कैन कंटेक्ट अस, ही और शी कैन कंटेक्ट अस। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर फीडबैक थ्रू व्हाट्सएप एंड ईमेल। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फीडबैक का इजहार कमेंट्स के ज़रिए से करें और इसको शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये नॉलेज पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।